वंस अगेन वेलकम बैक टू द सिस्को टेक यूट्यूब। और आज हम अनबॉक्स और टेस्ट करेंगे थ्री वे गोप्रो का जो माउंट है, जिसको अपन ट्राइपोड बोल सकते हैं, ग्रिप एआरएम ट्राइपोड या थ्री वे माउंट ट्राइपोड। ये बेसिकली देखा जाए तो गोप्रो खुद ही बनाती है। वैसे तो कई सारे मार्केट में आपको ट्राइपोड मिल जाएंगे जिस पे कि आपका गोप्रो हीरो 7 ब्लैक का जो कैमरा है उसे माउंट कर सकते हो, लेकिन ये जो वाला अपन अनबॉक्सिंग जो देखेंगे ये ओरिजिनल गोप्रो का ट्राइपोड है भाई साहब। बेसिकली देखा जाए तो इसकी अभी कीमत की बात करें तो लगभग 3,500 रुपये से लेकर 4,000 के बीच में आपको अमेज़न इंडिया पर मिल जाएगा। प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, तो आपको मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी मेरे ऑफर पेज का लिंक दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ से आपको ज़रूरत हो तो आपके कोई भी गोप्रो हो, चाहे वो हीरो 3 हो, 5 हो, 6 हो, गोप्रो का हीरो 7 ब्लैक हो, तो आप इसे ऑनलाइन अमेज़न इंडिया से मंगवा सकते हो। मैंने इसे हर बार की तरह अमेज़न इंडिया से ख़रीदा है। मुझे लगभग ये 3,700 प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस GST वगैरह वगैरह मिला के लगभग मुझे समझो कि 4,000 रुपये में पड़ा है ये, ठीक है। अब ये मैंने क्योंकि GoPro के यार सभी एसेसरीज और डिवाइस ना बहुत महंगे है, मतलब कि सबसे ज़्यादा महंगे, तो अब क्या करें, GoPro का जो आपका कैमरा है वो आपको इसी पर माउंट करना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया स्मूथ माउंट है, जिसमें कि मैंने अच्छे से टेस्टिंग की है, इसकी शॉट्स लेके देखा है कैसे शॉट्स आते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो बस गाइस, इस वीडियो में फटाफट अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, और भी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहिए। ओके गाइस, तो ये है अपना बॉक्स। के यार बॉक्स की पैकेजिंग की बात करें तो अमेज़न इंडिया ने काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग किया था। बॉक्स के ऊपर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का GoPro का जो ग्रिप है, थ्री वे ग्रिप ARM या ट्राइपोड जिसको बोल सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है यार ये जो ट्राइपोड है, काफ़ी अच्छा है। बॉक्स की कुछ पैकेजिंग इस टाइप से दिए, आपको सील हर बार की तरह चेक कर लेना है सब जगह से पैक है क्या। यहाँ पर GoPro की बैंडिंग दी है, लाइक बनता है इसके लिए, काफ़ी अच्छे पैकेजिंग थी सेलर की तरफ से। और लिंक गाइस वीडियो के नीचे दिया है, आपको ज़रूरत हो तो आप भी अपने GoPro कैमरेज के लिए इस ट्राइपोड को खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थ्री वे, यानी कि थ्री वे का मतलब ये है कि काफ़ी कहीं से भी आप शॉट्स ले सकते हो, शूट्स कर सकते हो, कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसी को आप ट्राइपोड या मिनी ट्राइपोड बना सकते हो, ARM बना सकते हो, ग्रिप बना सकते हो। यहाँ पर देखो बॉक्स के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखा है कि आपको किस टाइप से इस ट्राइपोड को या ग्रिप को या माउंट को या तो ARM को यूज़ करना है। यहाँ पर जितने भी अपने को, जैसे कि आप इसे फोल्ड कर सकते हो, 90 डिग्री ले जा सकते हो, उसके बाद सीधा और लेफ्ट शॉट ले सकते हो, मतलब कि इतने सारे यार यहाँ पर फीचर्स दिए हैं ना कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। इसको आप किधर भी लेफ्ट चल रहे हो तो राइट साइड में कर सकते हो, पीछे में एक ट्राइपोड दिया है जिसको कि ट्राइपोड पर आप कि आपका GoPro हीरो 7 का ब्लैक कैमरा अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ और आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है वगैरह वगैरह। बेसिकली देखा जाए तो GoPro सभी चाइना में ही प्रोडक्ट बनते होंगे, और थोड़ा सा क्या है ये जो महंगा है अमेज़न इंडिया पर, क्योंकि GoPro की जितनी भी ओरिजिनल एसेसरीज़ है वो भाई साहब आपको महंगी ही मिलेगी। इनका एक छोटा सा जे माउंट की बात कर लो तो वो भी महंगा ही मिलेगा। तो चलो अब इसे खोलते हैं, अपन देखते हैं बॉक्स के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। बॉक्स के को यहाँ से अपन सील को ब्रेक कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि सील को ब्रेक करने से पहले बॉक्स चेक कर लेना है आपको। मेरे अनुसार मुझे काफ़ी अच्छी पैकेजिंग मिली थी, और यहाँ से बॉक्स को खोलते हैं। मैंने काफ़ी वेट किया यार, मैंने चाहता था कि मैंने कहा चलो GoPro का ही बुला लेते, उसमें क्या है GoPro को अच्छी ग्रिप मिलेगी, फुटेज अच्छा आएगी, शॉट्स अच्छा आएगी, जैसे कि सिनेमेटिक। ओ माय गॉड भाई साहब, देखो ये है GoPro का ओरिजिनल ट्राइपोड ARM और ग्रिप, ठीक है ना। ये है इसका मेन एसेसरी। GoPro के जितने भी ट्राइपोड आते हैं उसमें से आपको यही बुलाना है मेरे अनुसार, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट और एक्सटर्नल फुटेज शॉट्स लेने के लिए आपको दिया गया है। और इसके बॉक्स के अंदर बस आपको एक आपका ट्राइपोड या थ्री वे गिम्बल मिल जाता है, गिम्बल बोल सकते हैं उसको, गिम्बल के टाइप का दिखता है वो, और एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा बस भाई साहब। बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा, बॉक्स खाली है और इसको फेंकना नहीं है। इसमें क्या है,
अगर आपके पास बैग में जगह ज़्यादा है तो इसमें रख के ले जा सकते हैं, तो आपका ट्राइपॉड टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का दो आइटम मिलते हैं अपने को। इस स्क्रू को मैं साइड में रख देता हूँ, और स्क्रू को भी नहीं फेंकना है ना, ये स्क्रू पर ही खेल है पूरा। तो इस टाइप का यार कुछ ये आपका थ्री वे ट्राइपॉड या ग्रिप बोल लो, इस टाइप का कुछ दिखता है। इसकी मुझे लगता है लेंथ की बात करें तो आपको क्या इस कैमरे के लिए मैंने बुलाया है। मेरे GoPro Hero 7 Black की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आई बटन में ज़रूर देखें। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हिंदी इंडिया लैंग्वेज में बना है वो, क्योंकि आपको GoPro की जो एसेसरीज है, डिवाइसेस है, इनका हिंदी में कम वीडियो ही मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलो अब इसमें अपन कैमरे को मैंने बता दिया, GoPro का जो मेरा कैमरा है जो मैंने आपको दिखाया इसमें करना है। तो इसकी यार साइज़ देखें तो ये यहाँ तक के इसका साइज़ आ जाएगा। मेरा मानना है कि जो अपनी कोहनी होती है ना उसके ऊपर तक के, तो यानी कि काफ़ी स्टेबल है। आप इसे लेफ्ट मोड़ सकते हो, ये देखो लेफ्ट हो गया, ट्रायंगल बना सकते हो, इधर लेफ्ट 190 डिग्री में ले जा सकते हो, और उतना भी ज़्यादा लंबा नहीं है। बट मेरे उंगलियों से लेकर भाई साहब ये देखो यहाँ तक के आ जाएगा, मेरे बॉडी तक के, ये बॉडी होती है ना ये देखो, तो कुछ इतना लंबा है, बस इससे ज़्यादा नहीं खिंचाए गए। इसके नीचे ट्राइपॉड है जो मैं अभी अपन देखते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर है आपका जो GoPro का कैमरा है, जैसे कि मेरे केस में मेरा ये GoPro का ब्लैक है हीरो 7, इसके ऊपर यहाँ पर आपको कैमरा माउंट करके स्क्रू से कस देना है। तो आपका यहाँ पर GoPro की ब्रांडिंग दी गई है। इधर की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्क्रू ड्राइवर दिया है, इसको भी बाहर निकाल के और भी ट्राइपॉड को आप छोटा कर सकते हो, आपकी ज़रूरत क्या है। एक माउंट यहाँ दिया है भाई साहब, ये देखो इसको ढीला करोगे तो आपको जैसा आपकी ज़रूरत है उस टाइप से इसको मोड़ सकते हो, बैंड कर सकते हो, लेफ्ट ले जा सकते हो, और कुछ यहाँ से टाइट कर दोगे तो ये लो आपका ट्राइपॉड, ये इधर इतना तैयार हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, इस टाइप से भी आप इसे रख सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको पूरे ट्रायंगल रूप में मोड़ सकते हो, टाइम लैप्स लेने के लिए लेफ्ट में मोड़ सकते हो, पूरा छोटा कर सकते हो, यानी कि बहुत ही आसान है GoPro Hero 7 ब्लैक कैमरे के लिए, या सभी जितने भी GoPro के कैमरे आते हैं एक्शन कैमरे, या उसमें आराम से माउंट होगा। ये SJKM में भी लग जाएगा अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो, और इसको बिल्कुल बैग में रखना कैरी ऑन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो आपको बटन दिख रही है, बटन को दबा दोगे तो ये आपका शॉर्ट्स, ये लो बंद हो गया, छोटा सा ग्रिप बन गया यहाँ। हाँ, बिना खोले भी आप आपके कैमरा को माउंट करके हाथ में पकड़ के आप इसे चल सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि इसको छोटा करके आपको आपका जो GoPro Hero 7 ब्लैक का कैमरा है उसको रखना है। अभी जो ब्लू कलर की आपको बटन दी है इसको दबाओगे तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा, ये देखो लॉक हो गया, ये अनलॉक्ड हो गया, लॉक अनलॉक, यानी कि आपका कैमरा हिले ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इसको छोटे में चाहिए, बड़े में चाहिए, अपने को तीन सेक्शन दिए है इसमें, जैसे कि कोई भी ट्राइपॉड होता है तीन सेक्शन, उस टाइप से कर सकते हो। नीचे की ओर बात करें तो ये आपको कुछ इस टाइप से ट्राइपॉड मिलेगा छोटा सा, चाहे तो आप इसे बाहर निकाल कर आपका कैमरा ये लो ऐसा माउंट कर सकते हो, काफ़ी क्यूट सा है, और अच्छे से स्टेबिलिटीज आएगी टाइम वॉप्स लेने के लिए, टाइम लैप्स वीडियो लेने के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो अपन इसे लगाते हैं, ये लो बड़ा आसान है, लगा दिया, और ये देखो भाई साहब ये बन गया आपका छोटा या मिनी ट्राइपॉड। आपको कैमरे आपकी ज़रूरत क्या है, जैसा आप चाहो इसको ऐसा बना सकते हो, चाहे तो इसे नहीं निकालो तो भी है, यहाँ पर आपको देख लेना दोनों साइड GoPro की ब्रांडिंग होना चाहिए लेफ्ट में राइट में, और कुछ इस टाइप का रखना है आपको, यानी कि आपको जब हाथ में पकड़ोगे तो GoPro इधर लिखा होना चाहिए और एक GoPro बाहर की ओर, तब वो आपका जो एंगल है ना वो सही आएगा। इसको यहाँ से चाहो तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो यहीं की यहीं ट्राइपॉड बना के रख सकते हो। अगर आपका मान लो कि यार आप हाथ में पकड़ना है आपको एक ब्लॉगिंग के लिए, एक व्लॉगिंग के लिए समथिंग, तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हो, और एक स्क्रू ड्राइवर आपको यहाँ पर दिया है, चाहे तो आप इसे निकाल के बाहर कर सकते हो, ट्राइपॉड को छोटा कर सकते हो। चलो अपन इसे हटा के देखते हैं, ये लो हट गया, और ये आपका एक ट्राइपॉड या स्टैंड अलग से काम आएगा। इसको ध्यान से तरीके से निकालना है, थोड़ा सा क्या नया है तो टाइट है यार, तो ये देखो यहाँ से कुछ ग्रिप दी है, यहाँ से कुछ छोटे छोटे बोल्ट दिए, तो इसको ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे घुमा के नहीं खींचना है, ये थोड़ा सा यहाँ से मैं ढीला करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसको ढीला नहीं करेंगे तो आप तोड़ बैठोगे, तो तोड़ना नहीं है इसको,
ये जो छोटा ट्राइपॉड इसके अंदर आता है तो इसको ऐसे भी नहीं खींचना है आपको, ठीक है, ये वाली जो ग्रीफ है इसको पकड़ के खींच देना है आपको फटाक से, ठीक है, खींच दिया। अब आपको जैसे कि आपको क्या है, अगर आप उसे डायरेक्टली करोगे ना तो वो मिस्टेक हो सकती है। अब इसको ध्यान से पकड़ के खींचना है, ये लो खींचा, तोड़ नहीं, तोड़ जम के भी नहीं खींचना है, नया है तो क्या है एक्चुअली टाइट है थोड़ा, अगर आप जम के खींच दोगे तो थोड़ा वो क्या टूट सकता है, इसलिए इसको ऐसे निकालना है, क्या वो नया है ना तो टाइट काफ़ी टाइट लग रहा है। इसको जब आप निकाल दोगे, ये क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ रही, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार सिर्फ इसी ट्राइपॉड पर कैमरा माउंट करना है तो इसका ढक्कन जो है ऊपर का ये निकाल लेना है, तो ये डायरेक्ट आपका GoPro Hero 7 Black या कोई भी GoPro का कैमरा हो यहाँ पर माउंट कर सकते हो ऊपर में। भाई साहब देखो देखो ये कितना है, और यहाँ पर एक स्क्रू दिया है जो इस स्क्रू से इसको कस देना है और आपका ये वाला जो अपना GoPro का कैमरा है इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो थ्री वे माउंट है या ट्राइपॉड है ये काफ़ी हेल्प करेगा ऑल ब्लॉगिंग्स के लिए। आप चिंता ना करें, मैंने सभी डिटेल वीडियो के नीचे दे रखा है आपको, जो GoPro का ये जो माउंट है इसका बाइंग लिंक वीडियो के नीचे ज़रूर चेक करें तो आपको और भी डिटेल पढ़ सकते हो जाके। लेकिन इस वीडियो में गाइज मेरा मानना है कि आपको इस रिव्यू देखने से पूरा आइडिया हो जाएगा, ये जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी ग्रिप है, लेकिन आप चाहो तो इसको भी पकड़ के कैमरा माउंट करके ऊपर की ओर चल सकते हो, जैसे कि ये स्क्रू है अपना, स्क्रू से कैमरा यहाँ पर किया और इसको माउंट कर दिया, ये लो पूरा स्क्रू आ जाएगा। हर एक एसेसरीज के साथ आपको स्क्रू मिलता है, क्योंकि GoPro तो भाई साहब बिना स्क्रू के चलता नहीं है, कैमरा ही बड़ा अजीब टाइप का होता है, इसकी एसेसरीज भी अलग आती है, तो यहाँ पर आपका कैमरा माउंट कर सकते हो और स्क्रू को खोल के हटा के इस कैप को लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका इस थ्री वे माउंट ट्राइपॉड का ट्राइपॉड बन जाएगा, छोटा बड़ा जैसे भी हो। और ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं ना आपको, इसको फंसाने का तरीका देखो, ये थ्री डॉट को ये लो एक हो गया, ये आपको ध्यान रखना जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इसको ऐसे लगाना है आपको, अगर आप उल्टा लगाओगे तो वो ढीला हो जाएगा और ढीला हो जाएगा तो इसमें कसाएगा नहीं वो, तो ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं ऐसे लगा के ऐसे इसको कस देना है आपको, समथिंग लाइक दिख, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में इसको खींच दोगे तो वो ढीला ढीला लगेगा आपको, तो मतलब कि थोड़ा ग्रिप अच्छी नहीं आएगी। ये देखो ये बन गया आपका छोटा बड़ा ट्राइपॉड, चाहे तो आप यहाँ से इस ट्राइपॉड को ऐसा रख के बना सकते हो, ध्यान रखें कि आपको ऊपर वाला भी जो एंगल है वो सेट करना है, नहीं तो कैमरा गिर सकता है आपका ऊपर, जैसे कि ये देखो, क्योंकि कैमरा थोड़ा वेट है उसको लगाने के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप रख के ट्राइपॉड बना के कैमरा को शूट कर रहे हो तो इसको छोटा करना ही पड़ेगा, अगर ये चाहो तो आप बिना, ज़रूरी नहीं है कि स्क्रू खोलो, इसको लेफ्ट में राइट में कर सकते हो भाई साहब, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है। देखो आप यहाँ से इसे बड़ी आसानी से थोड़ा सा इस टाइप से इसको निकालते हैं और ये लो ये बाहर आ गया, बाहर करा अपन ने, इसको थोड़ा सा सेट कर देना है, या तो अगर आपको लगता है कि ढीला है तो थोड़ा सा अच्छे से करना है आपको, एक इस टाइप की कुछ ग्रिप आना चाहिए आपकी, ठीक है। और ये वाला जो आपका माउंट है इसको इस टाइप से इसमें रख सकते हो, और आप 90 डिग्री कर सकते हो, 180 डिग्री कर सकते हो, 360 भी घुमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना नीचे से 360 नहीं घूमेगा, आपको हाथ का थोड़ा सा यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इसको इसके मान लो ज़रूरत नहीं है तो इसको इसमें से निकाल के आपको थोड़ा सेट करके यहाँ पर लगा के कस देना है, ये लो बहुत ही आसान है, मैं और एक बार दिखा देता हूँ, ये लो चलो हो गया। अब ये ना आपका बन गया फुल ट्राइपॉड, है ना, अगर मान लो छोटे ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है उसको अंदर कर दिया एंड दैट्स इट गाइस। ये वाला जो एंगल है आपका दोनों का ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर मान लो कि जैसे कि कैमरा ना हिले, ढीला ना हो इस टाइप से, और ये जो ब्लू कलर की बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो आपका ट्राइपॉड एकदम छोटा हो जाएगा, जेब में रख के बैग में, वेरी सिमिलर यार, वेरी सिंपल टू ट्राइपॉड दिस एनी कैरी ऑन बैग्स एंड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप समथिंग, कहीं से भी आपके लैपटॉप बैग में ले जाके इसको आप कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और ग्रिप की यार बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छी ग्रिप लग रही है, यहाँ पर आपका कैमरा आ जाएगा और इस कैमरे को यहाँ पर कैमरा माउंट करके भी आप कर सकते हो। मैंने इसका टाइम लैप्स लेके देखा है इस वीडियो में, अरे हाँ मैं भूल गया था, ये कैमरा आपका इधर आ जाएगा। इस वीडियो में कुछ कुछ फुटेज आपको GoPro Hero 7 Black के मिलेगी, पहला मेरा GoPro का फुटेज या वीडियो टेस्टिंग मिलेगा,
मैंने जो फुटेज यूज़ किया है इसमें 2.7 के समथिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करना चाहिए जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका कंप्यूटर से 4K मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है अभी। तो इस टाइप का गाइस एक काम करेगा जैसे कि मेरा मन, और हाँ छोटा ट्राइपॉड ऐसा बना सकते हो आप, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा लेके घूमो, यहाँ पर कैमरा लगा दिया और इस माउंट से आपके कैमरे को कस दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका एक हैंडी ट्राइपॉड बन जाएगा या हैंडी आपका ग्रिप आ जाएगी। भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतना वजन लेके चलो, बाकी आइटम आप उसमें रख दो। अगर आपको मिनी ट्राइपॉड बनाना है जिसको ARM या, तो यहाँ पर इसको कस दो और टाइम लैप्स लेने के लिए या रख के वीडियो शूट कर रहे हो तो ये इस टाइप का आपको मेरा मानना है बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं तेज़ हवा चल रही है तो ये वाला आपको ट्राइपॉड काम आएगा। यानी कि यार एक ही ट्राइपॉड में इतने सारे सर्विसेज है ना कि आपको बड़ा ही आसान सा हो जाएगा सब चीज़ें करना। तो गाइस यही मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था यार, GoPro 3-Way Grip ARM और ट्राइपॉड नाम है इसका, ध्यान रखना है। लिंक वीडियो के नीचे दिया है, आप चेक कर सकते हैं और बताना ये फुटेज कैसा लगा GoPro का, और इस टाइप से आपको इसको हटाना है, निकालना है, माउंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है एक्चुअली देखो, अगर आप स्क्रू ड्राइवर इसकी बाहर निकाल सकते हो तो ये एक एक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी पूरा बाहर भी निकल सकता है। अगर आपको छोटा ट्राइपॉड चाहिए, बड़ा चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए, तो किसी भी टाइप से आप इसे ले सकते हो। तो यार बस गाइस ये था मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यू, अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। आई होप आपको इस पसंद आया होगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। और GoPro का अनबॉक्सिंग आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में वीडियो मैंने दिया है या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, इसे ज़रूर देखें। अपना ये वाला कैमरा इसमें, इसकी जो टेस्टिंग है फुटेज वीडियो है वो मैं मेरे अपकमिंग ट्रेवल वीडियो की मैं आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगी, अब जो भी फुटेज आएगी। लेकिन ध्यान रखना है GoPro Hero 7 ब्लैक और ट्राइपॉड लेने से पहले क्या ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम और सॉफ्टवेयर भाई साहब 4K फाइल सपोर्ट करता है क्या नहीं, तो आपको HD या 2.7K एंड समथिंग में शूट करना पड़ेगा। इसकी टेस्टिंग में मैं आपको दिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय बाय।